ना मैं यहाँ की आवाम को, टीटवाल की आवाम को बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज का पालन करते हुए एक यहाँ पब्लिक दरबार हमने यहाँ पे मनाकद किया, इसके लिए यहाँ की आवाम जो है पहले सबसे पहले मुबारक के मुस्तक है और इनको मुबारकबाद में पेश करता हूँ। साथ में यहाँ जो टीटवाल और करना और टंगधार के जो मीडिया फेटर्निटी है, ये वक्तन फौक्तन जो इस इलाके के जो मसाइल हैं इनको उभारते हैं, इसलिए आपका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 7.5 करोड़ की स्कीमें यहाँ पे करना सब डिविजन के लिए अप्रूव्ड हैं JJM में, लेकिन उनका जो टेक्निकल अभी हमने आवाम के सामने पेश किया कि भाई हमारे एक्सएन साहब को 1 करोड़ तक ही स्कीमें जो है वो टेंडर आउट कर सकते हैं। 1 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ पे बनाया गया, उसका यहाँ पे फिजिशियन है ना, तो यहाँ पे ऑप्थोमोलॉजिस्ट है और न यहाँ पे पीडियाट्रिक्स है। देखो ये सरहदी जिला है, जब भी कोई PHC या CHC उसको अपग्रेड किया जाता है उसका प्रॉपर मैकेनिज्म स्टाफ जो है उसकी बार बार आपकी रिक्विजिशन आई है, आपकी BDC DDC हमारे पास प्रोजेक्ट करती है कि स्टाफ की कमी है। ये थ्रू आउट हमारी UT में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ असामियां खाली है, जिसके लिए ऑलरेडी ऑनरेबल LG साहब और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, जितनी भी वैकेंसीज है उसके लिए डायरेक्शन दी गई है कि इमीडिएटली उनको फिलअप किया जाए, और वो कोई जो वैकेंसीज हैं वो PSC को भी रेफर हो रही हैं। तो जब भी यहाँ पे इंशाल्लाह पोस्टिंग हो जाएगी डॉक्टरों की, हम इंश्योर करेंगे, या अगर किसी की अटैचमेंट है जो अभी हमने कहा कि कोविड रिलेटेड अटैचमेंट है वो भी डिटैचमेंट्स हो जाएगी, क्योंकि कोविड का जो इंसिडेंस है हमारे कोपारा जिले में जो है पॉजिटिविटी जो है 0.4% है, और जो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 98% हो गया है। तो कोविड के लिहाज से हम अब स्टेबल हैं बहुत हद तक, तो जितनी भी अटैच है कोविड रिलेटेड हुई होंगी। आपके CMO साहब भी चेंज हो गए, डॉक्टर मेहराज साहब यहाँ पे इंचार्ज CMO आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म करने की मिलजुल को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फैसिलिटीज भी उस हिसाब से प्रोवाइड हो। जी साहब, अगर बात की जाए लोगों की बहुत पुरानी पेंडिंग डिमांड है टिंगार से लेकर जो है पीठवाल तक, जहाँ आपने जिस रोड पे सफर किया, ये रोड जो है कई मुझे लगता है 20 साल से जो है ऐसी पड़ी है, रिपेयरमेंट नहीं कर रही है, मतलब एजेंसी जो है इस पर काम नहीं कर रही है। उसी रोड से आए आपका, उसने जो सरफेस ड्रेसिंग वगैरह सारा हो रहा है, उसकी मैग्नमाइजेशन भी अप्रूव है, आगे आने वाले वक्त में जो है मुझे लगता है 10-15 दिन तक उसकी मैग्नमाइजेशन शुरू होगी। अलबत्ता टंगधार के लोगों का एक इशू था कि उनके पोर्शन का अभी जो प्रपोजल है वो सेकंड फेज में है, जो मार्केट का एरिया है उसमें भी हम प्रायोरिटाइज करवा रहे हैं। था कि अगर कहीं पे कम्युनिटी क्लासेस नहीं चल रही, हमारे SDM साहब यहाँ पे लोकल ऑफिसर हैं, अगर उसमें कोई फैसिलिटेट करने की जरूरत है आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें, वहाँ प्रॉपरली जो है कम्युनिटी क्लास को मॉनिटर किया जाएगा, चलाया जाएगा, ताकि इस दूर दराज इलाके में जो है बच्चों की तालीम जो है वो उसमें ज्यादा असर ना पड़े और वो अपनी तालीम जो है प्रॉपरली हासिल कर। तो साधना टनल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी नॉलेज में है, एक बार यहाँ के लोगों ने काफी धरना भी लगाया है, गवर्नमेंट की नॉलेज में है। नंबर 1 हमारी डिमांड है कि साधना टनल हो जाए, उससे 2 चीजें होंगी, एक तो यहाँ के डिफेंस को जो एरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, और प्लस यहाँ का टूरिज्म जो है आपको पूरे साल भर के लिए ये जो खुल जाएगा, जो आपका साधना की प्रॉब्लम आती है बीच में बहुत बर्फबारी होती है, वहां भी आज हम डिस्कस कर रहे थे आर्मी वालों के लिए वो एरिया सेलेक्ट हो गया आपका साधना का एरिया, वहां बाजाबता स्काइंग के लिए उसको नोटिफाई होना है। तो आगे आने वाले फ्यूचर के वक्त में जो है आपके टूरिज्म सेक्रेटरी साहब से भी हमने डिस्कस किया है, बंगस और लोलाब के अलावा जो है आपके ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इनको जो है टूरिज्म की दायरे में लाया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी एक अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल कर सकते। जाएंगे MG नरेगा की जो लिबर्टी पेंडिंग है 17 और 18 के, तो अगर विंटर्स में कोई नरेगा का काम नहीं होगा। हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, अलग-अलग क्वेश्चन है, इन्होंने लाइबिलिटी का क्वेश्चन पूछा, जो 17-18 और 18-19 की जो लाइबिलिटी है उसके लिए बाजाबता वेरिफिकेशन के ऑफिसर्स आए हुए हैं, आपके टीटवाल की भी वेरिफिकेशन हुई है, आपकी करना ये जो आपका ब्लॉक है उसकी भी बाजाबता वेरिफिकेशन हुई है, तो वेरिफिकेशन के बाद वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और उसमें गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी बनाई है, हमारी सिर्फ वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है मुझे लगता है 2-3 दिन तक हमारी फाइनल होगी। पूरी 385 पंचायत जितनी भी हमारी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उनकी हर एक पंचायत की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है हमारे ऑफिसर्स ने तैयार की हुई है, मुझे लगता है इस हफ्ते हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाएगी सिर्फ, तो मुझे लगता है इस हफ्ते अगले हफ्ते में हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली जाएगी, और उस पर हाई पावर कमेटी जो है प्रॉपर डिसीजन लेगी, और गवर्नमेंट ने उसमें ऑलरेडी तय किया हुआ है कि जो लाइबिलिटीज जेन्युइन लाइबिलिटीज है
उनके लिए पैसा जो है रिलीज किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस बेटी ने जो पूछा कि भाई नरेगा के काम अभी शुरू नहीं हो रहे हैं, उसमें इंजीनियरिंग विंग को कोई कंफ्यूजन था, वो कह रहे थे कि वर्क वाइज हमें 60-40 का रेशो मेंटेन करना है मटेरियल और वेजेस का, तो ऐसा हमने गाइडलाइन में नहीं पाया और हमने इसके लिए सर्कुलर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जारी कर दी है और हमने 15 दिन का टाइम दिया हुआ कि सारे एस्टिमेट एमजी नरेगा के 15 दिन के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। कल के लिए भी हमने एसीडी को बुलाया है, यहाँ के जितने भी ब्लॉक आपके हैं हर पंचायत वाइज हम स्टेटस लेंगे कि इस पंचायत में कितने एस्टिमेट जो है सैंक्शन है, वहाँ काम इमीडिएटली शुरू किया जाएगा। और एक एटीएम यहाँ पे कायम किया गया है सीधा जैन के बैंक के पास, उसके अंदर 15-20 लाख डाला जाता है, कभी वो बंद हो जाता है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको काफी सफर करना पड़ता है एसटीएच के सामने, और मेन जो एसटीएच के सामने है जहाँ पर बीमार जो अपने पेशेंटों को लेकर श्रीनगर की तरफ रेफर होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है। किसी को आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन एक एटीएम है, उसके अलावा माइक्रो एटीएम भी यहाँ पे है, तो ये जो मेन दो एटीएम है, स्टेट बैंक का एटीएम नॉन फंक्शनल है पिछले 2 साल से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं जैन के बैंक चलते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे क्योंकि जैन के बैंक में मैक्सिमम लोगों के जो अकाउंट्स है जैन के बैंक में है, हम और जैन के बैंक से टेकअप कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें। अपने जो वैसे भी जो माइक्रो लेवल प्लानिंग के तहत जो है हर पंचायत में एक एक बाजाबता इन्हें बैंक की शाख देनी है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे वो लोगों को सुविधा मिल सकती है, लेकिन वो आगे फ्यूचर का प्लान है कब वो मैच्योर होगा, उससे पहले हम जैन के बैंक वालों से टेकअप करेंगे कि जो अगर यहाँ दो मेन आपके एटीएम है उनको और ऐड किया जाए, मेन जो आपके पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ दो और ऐड करवाए जाएंगे, आपकी डिमांड जो है मुतल्लिका बैंक तक पहुँचाई जाएगी। अलबत्ता जो आपका एसबीआई का बैंक है उसमें हम वेरीफाई करवाएंगे, उनके जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैनेजर है उसको बुला लेंगे हम यहाँ से जाके, उसको कहेंगे जो भी डिफेक्ट उसमें है एटीएम में वो दूर करवाएंगे जाएगी। अलबत्ता फिल्ट्रेशन प्लांट की आपकी जेन्युइन डिमांड है जिसके लिए मुतल्लिका महकमे को हम हिदायत देंगे, बाजाबता फिल्ट्रेशन प्लांट इज ए पार्ट ऑफ द स्कीम होना चाहिए, जो भी हम स्कीम बनाएंगे जहां 7 करोड़ की या 10 करोड़ की हम स्कीम बनाते हैं वहां फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इट शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द स्कीम, ताकि लोगों को जो है सेफ एंड क्लियर जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको मिलना चाहिए। आपका ये जेन्युइन है कि भाई फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हर स्कीम का पार्ट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, डीपीआर का पार्ट।